नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब लोग। सोलाना की बात करेंगे। इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हद तक मुझे लगता है कि नीचे गिरने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। उसके साथ में यदि मैं बात करूँ, शिबा इनू की बात करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि शिबा इनू की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और उसके साथ में LTC की मैं बात करना चाहूँगा। बाकी हमको पता है कि क्रिप्टो के अंदर हमारा जो किंग है बिटकॉइन, उसकी तो बात करनी है, लेकिन बिटकॉइन के अंदर कुछ ऐसा टेढ़ा हमको नज़र होता हुआ आ रहा है जो कि मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूँगा, ताकि आप लोग थोड़े से सतर्क हो जाए मार्केट को लेके, और आप लोग ये गलतियाँ ना करें, फिर बाद में आप लोगों को हो सकता है दिक्कत हो जाए। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आना चाहूंगा यहाँ पे सोलाना के ऊपर। रीजन मैं आपको सिंपल सा देता हूँ। देखिए, सोलाना ने अभी कुछ वक्त पहले अपना मोबाइल लॉन्च किया था, ये आप लोग देख सकते हो, इनका खुद का इन्होंने मोबाइल लॉन्च किया था, जिसके अंदर ये देख सकते हो आप 6.67 OLED डिस्प्ले, 512 GB का स्टोरेज दिया था, 12 GB का रैम दिया था। लेकिन एक्चुअली हो क्या रहा है, ये उल्टा पड़ गया इनके लिए। इन्होंने सोचा कि ये हम ऐसा लेके आएंगे कि अपना इकोसिस्टम बिल्डअप कर लेंगे, और इसके अंदर इन्होंने कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया। इन्होंने प्रोवाइड ऐसा किया है कि यहाँ पे आप जाओगे, इस मोबाइल को परचेज करोगे, तकरीबन $1000 का इन्होंने सबसे पहले लेके आए, उसके बाद में इन्होंने अपनी प्राइस घटा के रख दी $599। अब आप लोग देख सकते हो ये प्राइस क्यों गिरी है, इसके साथ में इनकी प्राइस यहाँ पे भी गिर गई है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इससे थोड़ा दूर रहो अभी। सोलाना के अंदर यदि इन्वेस्टमेंट है तो फटाफट अपना हटा लो वहाँ से। ये $18 पे अभी है, हो सकता है ये और नीचे गिर जाए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसलिए मैं फटाफट इसको लेके आया आपके सामने। अब उसके साथ में मैं आता हूँ अगली न्यूज़ पे। और मैं कह रहा था कि ये इन्हीं के लिए क्यों इनका जो दाव है वो उल्टा पड़ गया। देखिए, सोलाना ने एक्चुअली सोचा तो सही था कि इनका जो इकोसिस्टम है वो ज़्यादा बिल्डअप होगा, लोग इनके फ़ोन को लेंगे, उसके बाद केवल इन्हीं के टोकन को बाई करेंगे, तो ये सब चीज़ों का इन्होंने सोच के रखा था। लेकिन अब यदि सपोज करिए किसी पर्सन को और कुछ यहाँ पे बाई करना है टोकन्स वगैरह, तो वो चीज़ें यहाँ पे इस मोबाइल के अंदर अलाउड ही नहीं है। तो भला कोई क्यों ही लेगा ऐसा मोबाइल, मुझे समझ नहीं आता, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अब यहाँ पे मैं आता हूँ अगले न्यूज़ के ऊपर, जो कि हमारी LTC के ऊपर है। चलिए, उससे पहले मैं थोड़ा सा बिटकॉइन का बता देता हूँ। बिटकॉइन के अंदर अभी मार्केट में चल क्या रहा है कि डेथ क्रॉस बनने वाला है। यहाँ पे मैंने तो 50 और 10 डे का EMA लगा रखा है, लेकिन यदि आप इसके अंदर 50 और 200 डे का EMA सेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डेथ क्रॉस बनने के आसार पूरे पूरे नजर आ रहे हैं। और जब भी डेथ क्रॉस बनता है ना, तो मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरता है, ये हमने पास्ट हिस्ट्री में देखी हुई है। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि यदि डेथ क्रॉस बन रहा है मार्केट में, तो इस वक्त बाइंग करनी चाहिए क्या, नहीं करनी चाहिए। ये मैंने आपको पिछले टाइम भी मना किया था कि थोड़े दिन आप रुक जाओ, इतनी जल्दबाजी मत करो। पैसे हैं, अच्छी बात है आपके पास, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग एकदम से पैसे को यहाँ पे मतलब डालना चाह रहे हो और आपको इन्वेस्टमेंट करना ही है करना ही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपका वो इमोशन के साथ में यदि आप खेलोगे मार्केट में, तो पैसा नहीं बना पाओगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब मैं आता हूँ फटाफट अगली न्यूज़ के ऊपर, जो कि हमारी LTC से रिलेटेड है। LTC के अंदर आपको बाइंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप लोग अपना डेफिनेटली जो भी आपको न्यूज़ मिलता है, जो भी आपको टेक्निकल सही लगते हैं, वो आप फॉलो करें। लेकिन मुझे लगता है कि LTC के अंदर अभी यहाँ पे फायदा हो सकता है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। यहाँ पे कुछ इनके न्यूज़ इवेंट्स हैं, वो भी मैं आपको चेकआउट करूंगा, आपको बताऊंगा, स्पेशली अपने टेलीग्राम पे मैं आपको भेज दूंगा। लेकिन यहाँ पे यदि आप लोग बाइंग करना चाहते हो, तो तकरीबन तकरीबन आप लोग कह सकते हो $60 के आसपास यहाँ पे LTC के अंदर एक बाइंग का मौका बनता है। और इसके अंदर पार्ट्स के अंदर बाई करना है, इसके अंदर हमने पहले भी अच्छे प्रॉफिट बनाए हैं, और उम्मीद करता हूँ इस बार भी ये डेफिनेटली आपको निराश नहीं करने वाला, ये अच्छे प्रॉफिट आपको निकाल के देगा। उसी के साथ में हम शिबा की बात कर लेते हैं। शिबा की जहाँ तक बात करें, तो देखिए एक यहाँ पे रोहितेश यादव जी हैं, उन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया है कि 25% ऑफ इंडियंस हैव इन्वेस्टेड इन शिबा। तो डेफिनेटली मतलब बहुत ही मेजर चंक ऑफ हमारी यदि हम पॉपुलेशन की बात करें जो कि इन्वेस्टेड हैं हमारे क्रिप्टो के अंदर इंडिया से, उसमें से 25% यानी कि 1/4 लोगों ने डेफिनेटली शिबा के अंदर कभी ना कभी कहीं ना कहीं से इन्वेस्टमेंट की है। तो शिबा काफ़ी पॉपुलर है इंडिया के अंदर, ये तो हम मान सकते हैं। और इसी के साथ में इनकी बर्निंग अभी काफ़ी तेज हो गई है, तो आप लोग यदि होल्ड करते हो तो फिर सेल मत करना, क्योंकि मार्केट अच्छा नहीं है, तो सेल करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। बाकी ये लोग भी डेफिनेटली काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट पर, तो कहीं ना कहीं मार्केट में कुछ अच्छा ज़रूर लेके आएंगे आने वाले टाइम के अंदर। और भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगी तो मैं डेफिनेटली आपको शेयर करूंगा। अब मैं बात कर लेता हूँ MTH नेटवर्क के ऊपर। ये एक ऐसा नेटवर्क है जो कि आपको फ्लेक्सिबली यदि आप लोग यहाँ पे ब्लॉकचेन एप्लीकेशंस को बिल्डअप करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे इनके नेटवर्क के ऊपर जाके कर सकते हो, ये आप लोग चेकआउट कर सकते हो। MTH बेसिकली यदि आप लोग को बाइंग करना है, तो देखिए पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये जो नेटवर्क अभी मैं आपके लिए लेके आया हूँ, ये कहीं ना कहीं न्यू नेटवर्क है, न्यू प्रोजेक्ट न्यू है क्रिप्टो स्पेस के अंदर, तो मौका बन सकता है। जो नए होते हैं वहाँ पे चांसेस होते हैं कि अच्छे प्रॉफिट्स हम लोग गेन कर लें। तो कुछ एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे आप लोग बाइंग कर सकते हो, जैसे डेक्स ट्रेड हो गया, कॉइन्स बिट हो गया, उसके बाद मैं एसबिट हो गया, पैनकेक स्वैप हो गया, तो यहाँ पे आप लोग जाके बाइंग अप कर सकते हो। उसी के साथ में यदि मैं बात करूँ तो अच्छी चीज़ें क्या है इसके अंदर, आप लोग देखिए 9 कंट्रीज़ पे ऑलरेडी ये लोग ट्रेड अप कर रहे हैं,
5,215 ट्रेडर्स ऑलरेडी इन्होंने अपने पास कर लिए हैं, उसके साथ में ट्रांजेक्शन लगातार इनके बढ़ रहे हैं जो कि अच्छी बात है। अब मैं आता हूँ रोड मैप पे, तो रोड मैप आप लोग देख सकते हो, क्वार्टर फोर्थ का रोड मैप देखिए बेसिकली आप लोग, क्योंकि क्वार्टर थर्ड तो तकरीबन चला गया है। अब यहाँ पे क्वार्टर फोर्थ की हम बात करें तो आप लोग देख सकते हो वेब थ्री बेटा लॉन्च ये लोग करने वाले हैं, उसी के साथ में वेब थ्री ओरेकल बेटा लॉन्च भी करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं 2024 के लिए इन्होंने काफ़ी कुछ सोच के रखा है, तो इस हिसाब से हो सकता है एक अच्छा प्रॉफिट निकाल के दे दे आपको। उसी के साथ में इनका व्हाइट पेपर है, सभी मैं जो भी लिंक होगी इंपॉर्टेंट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग स्टडी आउट कर सकते हो। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर परफॉर्मेंस। करंटली आप देखोगे टेक्नोमिक्स की यदि हम बात करें तो आप लोग देख सकते हो टोटल सप्लाई इन्होंने यहाँ पे मेंशन करके रखी है अपनी। उसके साथ में डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग बात करें तो 56% इज एलोकेटेड टू द लिक्विडिटी, 10% इज एलोकेटेड फॉर रिवॉर्ड्स, 10% इज एलोकेटेड फॉर मार्केटिंग एंड 10% इज एलोकेटेड फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट, 5% इज एलोकेटेड टू द डेवलपमेंट टीम एंड 5% इज एलोकेटेड फॉर द कोलैबोरेशंस। सो ये आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। रोड मैप इनका मैंने ऑलरेडी आपके साथ में शेयर कर ही दिया है, माइलस्टोन्स इन्होंने जो अचीवमेंट की है वो आप लोग यहाँ पे इनके व्हाइट पेपर पे एक्चुअली आराम से देख सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। पूरा व्हाइट पेपर का लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। उसके साथ में यदि मैं मैननेट के ऊपर ब्लॉकचेन के ऊपर आता हूँ इनके, तो आप लोग यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो कि इनकी जो प्राइस है अभी टोकन की वो है 0.3900 यूएस डॉलर यदि हम अभी रेट की बात करें। बाकी ये रेट ऊपर नीचे होगी डेफिनेटली आने वाले टाइम के अंदर जिस तरीके से इनका मार्केट कैप इंक्रीज होगा। बाकी आप लोग यदि इनका मार्केट कैप चेक करना चाहोगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये अभी इनका टोटल मार्केट कैप है, टोटल ब्लॉक्स इन्होंने कितने यहाँ पे मिंट आउट हुए हैं इनके ये भी आप लोग देख सकते हो, ट्रांजेक्शन कितने हुए हैं 65,385 के तकरीबन इनके ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं। सो आई कैन से इट्स अ गुड वॉल्यूम विच इज कमिंग इन देयर प्लेटफॉर्म, आप लोग इसको चेकआउट कर सकते हो। लेटेस्ट ब्लॉक्स जो इनके एडअप हो रहे हैं वो आप लोग देख सकते हो, ट्रांजेक्शन आप लोग देख सकते हो। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि मुझे आपको बतानी थी। बाकी टोकनॉमिक्स मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिटेल में शेयर कर दिए, तो और कुछ आपको देखना है इसके बारे में तो आप लोग यहाँ पे आके चेकआउट कर सकते हो, नीचे आपको सारी लिंक्स इसकी मिल जाएगी। यदि आप लोग को बाइंग करना है तो आप लोग डेफिनेटली बाय अप कर सकते हो, ये जगह आपको बाइंग के लिए मिल जाएगी। आप लोग देख सकते हो पैनकेक स्वैप हो गया, MTH नेटवर्क हो गया, एसबिट हो गया, कॉइंस बिट हो गया, डेक्स ट्रेड हो गया, तो इन सारी जगह पे आप लोग जाके बाइंग कर सकते हो एक मामूली अमाउंट के साथ या फिर जैसा आपको सही लगे। तो यही कुछ बातें थी इस वीडियो के अंदर, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होगी मैं डेफिनेटली आपके साथ में शेयर करूंगा आने वाले वीडियोस के अंदर। चलिए फिर इन्हीं कुछ बातों के साथ मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, एक लाइक वाला बटन जरूर ठोक दीजिए।